जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग एक्सीता कॉटन लिमिटेड कंपनी के बारे में। एक्सीता कॉटन में देखिए अपडेट निकल कर सामने आ गया है, जो बोनस को लेके बात चल रही थी कि इस कंपनी का जो बोनस है कब मिलेगा, वो रिकॉर्ड डेट का पता लग गया है। तो इस वीडियो में बेसिकली इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि जो बोनस मिलने वाला है। रेशियो का तो अब तक सबको पता चल ही गया होगा, तो रेशियो के अलावा मैं यह भी बताऊंगा कि कौन सा वो रिकॉर्ड डेट है जिसके पहले जब आप इस कंपनी के शेयर्स को बाई करेंगे या आपके पास अभी है तो आप इस कंपनी के बोनस शेयर्स को पाने के लिए एलिजिबल होंगे। बोनस कंपनी काफी अच्छे मात्रा में देती है, हमेशा से इसका रिकॉर्ड रहा है। जब जब भी कंपनी बोनस देती है तो अपने निवेशकों को निराश नहीं करती, बोनस ठीक ठाक मात्रा में जाता है। और आप जानते हैं कि बोनस ही एक ऐसा एक्चुअल में कॉर्पोरेट एक्शंस होता है जिसका सच में फायदा होता है, क्योंकि बोनस मिलने का मतलब ये होता है कि अलग से आपको एक्स्ट्रा शेयर्स कंपनी देती है, जबकि स्प्लिट होता है तो उसमें स्प्लिट में अलग से कोई शेयर नहीं मिलता, बल्कि आपके ही पास जो शेयर्स होते हैं उसको कंपनियां तोड़ के दो तीन चार शेयर्स बना देती है, जबकि बोनस में एक्चुअल फायदा होता है। तो इस बोनस को इस वीडियो में समझेंगे। उसके पहले बीएस इंडिया वेबसाइट पर आप देखेंगे कि एक्सीता कॉटन में फिलहाल कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, यानी कि जो एक मेजर तनाव देने वाला चीज होता है कि जिसकी वजह से निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी के शेयर प्राइस पर, उस चीज नहीं है। और इस स्टॉक में अभी भी आपको तेजी देखने को ही मिल रहा है, और चूंकि जिस सेक्टर की कंपनी है, जो कंपनी का काम धाम है, उसके हिसाब से इसमें लॉन्ग टर्म में तेजी बनी ही रहेगी। नीचे आएंगे जब आप कॉर्पोरेट एक्शंस में, तो कॉर्पोरेट एक्शंस में यहाँ पे फिलहाल आपको बीएससी की वेबसाइट पे कॉर्पोरेट एक्शंस में कोई जो नया 1:3 के रेशियो में कंपनी बोनस देने जा रही है, इसका रिकॉर्ड डेट अभी यहाँ पे नहीं दिया गया। ये पुराने वाला है जो मैंने अभी यहाँ पे दिखाया, ये पिछली बार जब कंपनी ने बोनस दिया था पिछले साल दिसंबर में, उस समय का। हालांकि कंपनी समय समय पर एक ही साल में कई कॉर्पोरेट एक्शंस करते हुए देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 2022 में भी 2 बार कॉर्पोरेट एक्शंस हुआ था, 23 में भी 2-3 बार हुआ था, 2024 में जो पहला कॉर्पोरेट एक्शंस कंपनी ने किया 2024 में वो बोनस के फॉर्म में किया है, और 2024 में आपको जो बोनस मिलने जा रहा है वो 1:3 के रेशियो में मिलने जा रहा है। ये एक बात सबसे पहले आप स्पष्ट कर लीजिए, यानी कि यदि किसी व्यक्ति के पास 3 शेयर्स हैं तो उसे एक एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेंगे और उसके पास टोटल 4 शेयर्स हो जाएंगे। हालांकि किसी व्यक्ति के पास सिर्फ और सिर्फ 5 शेयर्स हैं तो उसे फिर भी सिर्फ एक ही शेयर्स मिलेंगे, क्योंकि ये जो बोनस का रेशियो रखा गया 3:1 का रखा गया, यानी कि 3 के मल्टीपल में शेयर्स होंगे तभी आप बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि 3 पे 1 मिल रहा है, तो 6 अगर शेयर्स होता तो आपके पास 2 बोनस शेयर्स मिलते, 4 होगा तब भी 1 मिलेगा, 5 होगा तब भी 1 मिलेगा, हर 3 पे 1 एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेगा, यानी कि 3 के मल्टीपल में ही आप 1 एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं कि आखिर रिकॉर्ड डेट कब है इस कंपनी के जो बोनस शेयर देने जा रही है उसके लिए। तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आप देखेंगे, काफी प्रतिष्ठित वेबसाइट माना जाता है स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए, न्यूज के लिए। मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट को आप प्रीफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो एक्सीता कॉटन्स का डिटेल देखिए यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर अभी सिर्फ यही कंपनी ओपन है जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। नीचे देखिए यहाँ पे इस कंपनी का बोनस की जो अनाउंसमेंट हुआ है उसका रिकॉर्ड डेट रखा गया है। अनाउंसमेंट हुआ था इस कंपनी के बोनस का अगस्त में हुआ था 9 तारीख को, और रेशियो रखा गया है 1:3 का, जैसे कि मैंने आपको बताया हर 3 शेयर पे 1 एक्स्ट्रा शेयर आपको मिलेगा, और रिकॉर्ड डेट रखा गया है 30/11। 30/11 कहने का मतलब हुआ कि नवंबर में 30 तारीख तक इसका जो डेट रहेगा वो रहेगा। हालांकि एक्स बोनस डेट नहीं है, एक्स बोनस डेट इस कंपनी के रिकॉर्ड डेट से पहले ही होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो रिकॉर्ड डेट रखा गया है उससे पहले कहीं यहाँ पे 1-2 दिन पहले एक्स बोनस डेट होता है, यानी कि इसके पहले तक कम से कम आप मान के लिए एक्स बोनस डेट तक आपके पास इस कंपनी के शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में आ जाने चाहिए, तब आप इस कंपनी के शेयर्स के लिए एलिजिबल होंगे। तो बोनस के फॉर्म में जब आपको कंपनी के शेयर्स मिल जाएगा तो आपके एक तो क्या होगा कि नंबर ऑफ जो शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, प्लस क्योंकि जब भी कंपनी बोनस शेयर स्प्लिट करती है तो शेयर की जो प्राइस होता है, शेयर के प्राइस में एडजस्टमेंट होता है। तो प्राइस एडजस्टमेंट होने के बाद अभी वर्तमान में जो कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 24-25 रुपये के आसपास, उसमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा। करेक्शन तो नहीं देखने को मिलेगा, बेसिकली एडजस्टमेंट होता है जिस वजह से प्राइस कम हो जाता है, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। हालांकि इससे आपका जो टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू होता है, इन्वेस्टेड वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्वेस्टेड वैल्यू आपका फिर भी समान ही रहता है। अब यहाँ पर देखेंगे 1 साल के चार्ट पर, तो आप देखेंगे कि जब से ये रिकॉर्ड डेट का पता लगा है मनी कंट्रोल वेबसाइट पर, उसके बाद से शेयर के प्राइस में मूवमेंट आना शुरू हो गया है। यहाँ से जो डाउन ट्रेंड आपको नीचे की तरफ देखने को मिला था, डाउन ट्रेंड अब खत्म हो गया है और कहीं ना कहीं से स्टॉक में अप ट्रेंड की शुरुआत होने जा रही है। हालांकि स्टॉक अभी भी ये देखिए ये एक कॉन्सोलिडेशन रेंज है, इसके लिए पहले भी इसमें स्टॉक ने समय बिताया, उसी कॉन्सोलिडेशन रेंज में अभी भी स्टॉक फंसा हुआ है। फंसा क्या हुआ, बेसिकली अब नीचे जा रहा था इस रेंज में आ गया है, तो इसमें थोड़ा सा समय बिताना जरूरी है, और जब इसमें से समय बिता के स्टॉक का प्राइस ऊपर निकलेगा तो आपको ठीक ठाक तेजी देखने को इस स्टॉक में मिलेगी, जो कि सीधे आपको कम से कम 3200 रुपये तक तो पहले जाएगी, क्योंकि यहाँ तक इसका
प्रीवियस हाई है और 32 रुपए के हाई को निकालने के बाद इसके डबल तक जाने का दमखम ये स्टॉक रखता है। तो शॉर्ट टर्म में आपको पैसा बनाने का एक अच्छा मौका यहाँ पे मिल सकता है, जब स्टॉक का प्राइस 26 रुपए ऊपर निकले तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं ब्रेकआउट पे। एवरेजिंग करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं, हालांकि वेट कर लीजिए, बेहतर ये होगा कि अब इससे बाहर निकले, यहाँ पे आप एवरेजिंग भी कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि बोनस का रिकॉर्ड डेटा आ गया है तो इससे स्टॉक में तेजी रहेगी ही रहेगी, प्लस कंपनी का जो काम है, जिससे आप सभी जानते हैं कि कॉटन बनाने वाली कंपनी है, तो कॉटन का यूज वेरियस प्रोडक्ट्स में होता है, अलग अलग सेक्टर में भी होता है, जैसे मेडिकल सेक्टर में भी हो गया, फैब्रिक और टेक्सटाइल के सेक्टर में भी हो गया। तो एक ऐसा ये कंपनी काम करती है, ऐसे चीज बनाती है जिसका डिमांड हर एक सेक्टर में और हर एक काम के लगभग यूज किया जाता है, तो इसकी डिमांड हमेशा रहेगी, प्लस कंपनी के फंडामेंटल भी ठीक ठाक हैं, तो ओवरऑल ऐसे स्टॉक्स में आपका इन्वेस्टमेंट बनता है। बाकी इससे रिलेटेड मन में कोई अन्य सवाल है जो आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।